भाजपा अच्छा काम किया है, जनता खुश है, सारे लोग खुशहाल हैं, भाजपा कहीं भी गड़बड़ी कोई नहीं की है। प्रत्याशी इस बार इतना अच्छा आया है जी जी कि गठबंधन भी नहीं है। समाजवादी पार्टी इस समय जो है समाप्त पार्टी के नाम से जानी जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का आप दशा देख ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, मैं आकाश द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लगातार चुनावी सर्वे में एक बार फिर से हम जनपद जौनपुर के मलनी विधानसभा में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और ये भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी का कार्यालय है। ऐसे में यहाँ पे कार्यालय पे कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या है इन लोगों की राय। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलेनाथ है। इस समय यहाँ पे आप भाजपा कार्यालय पे हैं, क्या कोई पद है? पद नहीं, कार्यकर्ता के रूप में है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो वर्तमान में इसमें वर्तमान सांसद हैं उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे और जो वहाँ आने वाला चुनाव है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा जो इसमें वर्तमान में सांसद जो है जी, तो गठबंधन की सरकार थी, उसमें हुए जनता ग्रुपों को लेकर के बनाया जरूर, कभी वो जनता में दिखाई भी नहीं दिए, न किसी से कोई मतलब रखते हैं कभी। आज तक उनको तो कम से कम तीन ही जनता तो चिंती ही नहीं जी जी। अब रही बात ये कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी आए हैं अच्छे हैं, पुराने राजनीति हैं और इनको दिया जाएगा जी। मतलब ये इनका मतलब राजनीति के जो क्षेत्र था मुंबई था, ऐसे में यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन होगा, क्या जनता के बीच में ये अपना प्रस्ताव रख पाएंगे? अच्छा है, ये पुराने जो है राजनीतिक नेता है जी और राजनीति ये भी है और उम्मीद है कि अच्छे जो है समाज का जो है अच्छा काम करेंगे जी जी। और इनका नाम तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुने हैं इनका, अब पार्टी से भी आए हैं जी, तो हम लोग तो अपनी वोट भाजपा में ही करेंगे। लगातार जनता के बीच में एक बात ये आती है कि अगर इतने दिन वो नेता थे, उन्होंने मुंबई जैसे शहर में काम किया, तो क्या बीच में यहाँ पे आके अपना मतलब कुछ कार्य कर सकते थे? नहीं, तो ऐसा है ना कि वो कहीं दूर के थोड़े हैं, इसी ब्लॉक के तो भी हैं जी जी, और अच्छे परिवार से हैं और समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा भी उनकी है जी, और लोग मानते भी हैं। अब काम हो मगर अच्छा नहीं करते तो इतना नाम कैसे उनका होता? नहीं, यहाँ के लिए कुछ नहीं किए हैं ऐसा मतलब जनता में यहाँ ये तो है, अब करेंगे भी जी जी, जब मौका मिलेगा जो है तब करेंगे, और अभी तो कुछ हुए नहीं है तो कैसे जी जी। तो कई दूर की बोली है वो है तो हमने बक्सा बुला के। तो क्या लग रहा है आज एक महीने से ऊपर हो गया भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्याशी आए हुए, विपक्ष में अभी तक कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? अब विपक्ष की अपनी राजनीति है, अपने ढंग की राजनीति है, सब क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं क्या करेंगे, अब विपक्ष हमको क्या लेना देना है। धनंजय सिंह के विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? अब धनंजय सिंह तो किस प्रकार के नेता है, या यहाँ से अगर वो अभी जेल में है तो क्या कुछ सुनाई दे रहा है उनके विषय में? अब धनंजय सिंह के विषय में इसमें मान लीजिए वो जेल में है और इलेक्शन को बराबर लड़ते हैं जी जी, अभी इस बात को हम नहीं बता सकते कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो आपको क्या लग रहा है मतलब लोकसभा चुनाव इनके पक्ष में आएगा इस बार भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी? ये भाजपा अच्छा काम किया है, जनता खुश है, सारे लोग खुशहाल हैं, भाजपा कहीं भी गड़बड़ी कोई नहीं की है, हर तरह से जो है भाजपा लोगों की भलाई की है, तो उसमें वोट न देने की कोई बात ही नहीं। नहीं, आपको मतलब ये लग रहा है कि यहाँ से अगर ये चुने जाते हैं सांसद तो कार्य करेंगे? हाँ, कार्य ये उम्मीद तो है। जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अगर लोगों के बीच में एक भ्रम रहता है पार्टी के को लेकर, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। नहीं तो वो उसमें कोई भ्रम की बात नहीं है जी, भाजपा अपना काम कर रही है और देख भी लोग रहे हैं
और जो भी वो अनुशासित पार्टी है जी जी, उसमें कोई गलत नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा ने अगर टिकट दिया है इनको समझ बूझ करके दिया है जी जी, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? राहुल सिंह। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, 25 मई को चुनाव का डेट है, ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता के बीच में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, कुछ तो नया देखने को मिल रहा है जी। इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। वर्तमान में जो सांसद हैं पिछली बार थे और अब में कुछ, मतलब पिछली बार तो भाजपा के सांसद नहीं हो पाए थे, क्या इस बार लग रहा है भाजपा के सांसद यहाँ बनेंगे? जी, इस बार पक्का बन। अच्छा, कैसे कैसे आप कह सकते हैं? इस प्रत्याशी इस बार इतना अच्छा आया है जी जी कि, और गठबंधन भी नहीं है इसलिए। तो विपक्ष का भी तो कोई चेहरा अगर आता है तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, दो तीन पार्टियों गठबंधन है, बड़ी बड़ी पार्टियों का, ऐसे में क्या टक्कर दे सकते हैं? अच्छा जी जी, बहुत बहुत अच्छा टक्कर देंगे जी। आपको लग रहा है कृपा शंकर जी चुनाव यहाँ से अच्छा लड़ेंगे? अच्छा लड़ेंगे और निकाल भी लेगा जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार उपाध्याय है। मैं पहले आपके चैनल में भारत न्यूज को सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्या लग रहा है, नवरात्र का महीना चल रहा है और यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी बहुत ही तेज से चल रहा है, ऐसे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ से भाजपा का जो प्रत्याशी आए कृपा शंकर सिंह जी, किस प्रकार का उनका चुनावी माहौल है? देखिए, नवरात्रि का महीना चल रहा है और कांग्रेस या जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें शक्ति को मिटाना है जी। और नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी कह रही है कि हम लोग शक्ति के उपासक हैं, सनातन धर्म को लेकर के चलने वाले हैं, इसलिए शक्ति की जीत हमेशा हुई है और यहाँ कृपा शंकर सिंह जी सनातन धर्म को लेकर चलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि आप भारत के कहिए कद्दावर नेता हैं और वो यहाँ चुनाव जो है एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं? ये कहने का बस मेरा दो मकसद है, एक तो विपक्षी को जो है हमारे इतने कद्दावर और जुझारू प्रत्याशी को देख करके विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी जी। और दूसरा कारण डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के माध्यम से जो जन कल्याणकारी योजनाएं अंत्योदय मिशन को लेकर के हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने चलाया है वो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है जी। जनता के विषय में तो सब कुछ ठीक है लेकिन दो चीजें उन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार में समस्या, एक तो बेरोजगारी दूसरी महंगाई, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, ये संदेश जाए कि क्या ये सही है या गलत है, जो लोगों के मन में ये भ्रम रहता है? नहीं, ये विरोधियों के द्वारा एक साजिश फैलाया जा रहा है, जबकि अगर आप पिछली यूपीए की सरकार का जो आंकड़ा निकालेंगे उसके बाद 10 साल का मोदी जी का रेशियो देखेंगे जो एनडीए की सरकार है, तो आपको महंगाई में बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखेगा। अगर यही मोदी जी ने रहे होते और यूपीए की सरकार रही होती तो ये महंगाई 200% बढ़ गई होती जी, पहली चीज। और दूसरी चीज जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का अब सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने के नाते जो है सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, ये है कि सरकार लगातार प्रयासरत है रेलवे में, उसके बाद यहाँ राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती की तमाम वैकेंसी निकाली है, तमाम जो है फैक्ट्रियों के माध्यम से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टरों में जो है नौकरियां मिल रही हैं। क्या कृपा शंकर जी लगातार दावा कर रहे हैं अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या उनकी बातों में क्या सच्चाई हो सकती है? कृपा शंकर सिंह जी निश्चित तौर पर जौनपुर के सांसद बनेंगे और सांसद ही नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, वो जो है केंद्र में मंत्री भी बनेंगे और उनके आने से ये समझिए जौनपुर जो अभी तक पिछड़े के रूप में गिना जाता था, पूर्वांचल का बनारस की तरह यहाँ विकास होगा, पूर्वांचल का जो है अग्रणी जिला के रूप में गिना जाएगा और अब की बार 400 पार होगा। पिछली बार सपा और बसपा गठबंधन में भाजपा को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, इस बार भी गठबंधन है सपा और कांग्रेस का अन्य पार्टियों का, तो ऐसे में क्या लग रहा है अगर कोई प्रत्याशी आता है तो किस प्रकार का चुनाव माहौल रहेगा? देखिए,
समाजवादी पार्टी इस समय जो है समाज पार्टी के नाम से जानी जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का आप दशा देख ही रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो है कोई नाम नहीं लेने वाला है। उनका जो गरीब तबके के जो दलित समाज के लोग थे वो जो है अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ जुड़ चुके हैं और जो मोदी जी ने अंत्योदय की योजनाएं चलाई हैं उससे जुड़ करके बसपा और सपा इस समय जो है खुद अपना जो उनका पारिवारिक गढ़ है उसको भी नहीं बचा पाएंगे और यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से जौनपुर से अगर सांसद कोई है कृपा शंकर जी होंगे? हाँ, जौनपुर से हम निश्चित तौर पे ये दावा करते हैं कृपा शंकर सिंह जी और भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ विरोधी कोई प्रत्याशी देखिए आप लगातार जो है किसी दल की साहस नहीं हो रहा है कि अपना प्रत्याशी उतार दे। जी जी, क्योंकि हमारा प्रत्याशी और हमारी जो डबल इंजन की सरकार वो हर घर आप खुद देखिए सर्वे कर रहे हैं, कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित ना हो रहा हो। तो इसलिए विरोधियों में जो है हार का डर है और वो यहाँ से जौनपुर से जो है किसी को भी टिकट, जैसे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है हैं यहाँ पे जिले में, लेकिन कोई भी जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिख रहा है क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कोई क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। हम यहाँ से चुनाव कृपा शंकर जी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में हम यहाँ पे थे मलनी विधानसभा में और यहाँ पे ये भाजपा का कार्यालय है। ऐसे में कुछ लोग हमारे बीच थे, हम उनसे बातचीत किए और आपकी क्या राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं और देख रहे हैं ये भारत न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।